न्यूज़ अपडेट में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और इस वक्त अब मैं आपको बताऊंगी कि अररिया का जो सीट है बिहार का वो कितना इम्पोर्टेंट है। दरअसल यहाँ पर एक मुस्लिम चेहरे को आरजेडी ने आगे किया था और कहा जा रहा था कि आरजेडी को मुस्लिमों का मत मिलेगा, लेकिन बिल्कुल उलट रुझान सामने आए हैं। यहाँ से सरफराज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत साथ देती हुई नजर नहीं आ रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार के अररिया सीट की, जहाँ पर कि मुस्लिमों ने एक बार फिर से नकार दिया है आरजेडी को। आरजेडी के सरफराज का साथ उन्होंने नहीं दिया है। अररिया लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर आरजेडी को लेकर माई समीकरण काम करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी समीकरण काम करता हुआ नजर नहीं आया है और एक बार फिर से बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आई है। यहाँ पर सरफराज को 1,66,000 प्लस वोट मिले हैं, लेकिन ये पीछे चल रहे हैं प्रदीप कुमार सिंह से। यहाँ प्रदीप कुमार सिंह को 2,40,000 वोट मिले हैं और अभी रुझान आने और बाकी हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन फिलहाल अब तक की बात करें तो आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं बीजेपी से। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अररिया लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये एक जनरल के लिए आरक्षित सीट है और रूरल संसदीय क्षेत्र है, ग्रामीण संसदीय क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर माना जा रहा था कि कुछ अलग हो सकता है और ख़ास करके आरजेडी को लेकर। आरजेडी माई समीकरण पर काम करती है, लेकिन यहाँ पर ये नज़र बिल्कुल भी नहीं आया है और मुस्लिमों ने सरफराज का साथ यहाँ नहीं दिया है। अगर हम बात कर ले साक्षरता दर की तो 53.53% यहाँ की साक्षरता दर है। बहुत कोशिश की गई कि यहाँ पर साक्षरता दर को बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल उतनी सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आई। 2014 की अगर हम बात करें तो 15,87,332 मतदाता यहाँ पर हैं, जिनमें से पुरुष और 74,04,212 महिलाएं मतदाता हैं। 44 मतदाता की अगर हम बात करें तो वो थर्ड जेंडर है। 2014 में सीट पर बीजेपी को हराकर यूपीए के प्रत्याशी तस्लीम उद्दीन ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी और उनके जो कुल मत थे वो थे 9,75,811। बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। और अगर हम बात कर ले आरजेडी की तो आरजेडी जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी मैदान में कोशिश कर रही थी, उम्मीदें जता रही थी, उस उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई है। यहाँ पर 23 अप्रैल को चुनाव हुआ था और कहा जा रहा था कि आरजेडी भारी मतों से जीतेगी और यही सोचकर यहाँ पर एक मुस्लिम चेहरे को आगे किया गया था आरजेडी की तरफ से, लेकिन सरफराज वहाँ पर सफल होते हुए नज़र नहीं आए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 2014 की तो चुनाव में मत की कितने मतदाताओं ने यहाँ पर मतदान किया था, कितना प्रतिशत रहा था, तो वो 61.48% रहा था और इस बार उससे कम वहाँ पर मतदान हुए। अररिया सीमावर्ती इलाका है और इस इलाके में लगातार मुस्लिम समुदाय हो या फिर अन्य यादव जो हैं उनका गढ़ माना जाता है और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था कि आरजेडी का साथ ये दे सकते हैं, लेकिन जो रुझान सामने निकल कर आए हैं इसमें यही सामने आ रहा है कि प्रदीप कुमार सिंह आगे हैं। आगे क्या होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।